सीएम धामी ने स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन को दी बधाई, कहा महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत की बेटी स्वर्ण पदक जीतने की बधाई। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान, कहा NABH मान्यता की तैयारी करे सरकारी अस्पताल, निगरानी के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित। केदारनाथ यात्रा में हार्ट अटैक से 2 यात्रियों की मौत, ठंड और ऑक्सीजन की कमी से बड़ी दिक्कतें। केदारनाथ में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में होगा मुख्य कार्यक्रम। उत्तराखंड में साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का आदेश जारी, और 1 लाख से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में कुछ दिन राहत के बाद अब फिर मैदान में चढ़ेगा पारा, पहाड़ में बनी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं, और इसके साथ ही 10:15 पर हरिद्वार के बल्ला इंटर कॉलेज में हेलीपैड पहुंचेंगे, और इसके साथ ही सीएम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं। 11:10 पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसके साथ ही 11:10 पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, और विकास परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक भी करेंगे, और 10:15 पर हरिद्वार के बल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और सीएम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं, और इसके साथ ही 11:10 पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार से हमारे साथ राम गोपाल जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आज जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम दौरा माना जा रहा है हरिद्वार में, और इसके साथ ही कई अहम कार्यक्रम होने वाले हैं हरिद्वार में, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से अब 4 धाम यात्रा भी चल रही है, और जो मुख्यमंत्री का जो अहम का जो कार्यक्रम है, जो संस्कृति विश्वविद्यालय में जो आयोजित कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे, और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके से जो कार्यक्रम का एक डेडलाइन आई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार से जो विश्वविद्यालय संस्कृति का कार्यक्रम है, उसके कार्यक्रम के बाद डाम कोठी पर जो है एक विकास कार्यों को लेकर के जिला स्तरीय जो कर्म अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, क्योंकि विकास कार्यों की जो फीडबैक है वो अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, क्या विकास कार्य जो है जिले में हो रहे हैं, और उनको गति देने के लिए दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। जी, और राम गोपाल, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख भी अभी देखा गया था, जिस तरह से RTO दफ्तर पहुंचे थे भी हाल ही फिलहाल में, और RTO दफ्तर पहुंचकर वहां का हालचाल जाना था और कमियां भी पाई थी, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या इन्हीं विकास कार्यों को योजनाओं को लेकर के बैठक करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, विकास कार्यों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जो डाम कोठी हरिद्वार में जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, उसमें जिलाधिकारी हो या फिर CDO हो, यानी कि तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, SSP हो, ये तमाम अधिकारी जो है बैठक में मौजूद रहेंगे, और विकास कार्यों को लेकर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जिले में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति को लेकर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी देंगे। जिस तरीके से अभी जो धामी का कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं, यानी कि जो मतलब अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से अब एक्शन भी देहरादून में देखने को मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो जिले हैं जिलों में जो जिले के जिला अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया था, यानी कि तमाम जो कार्यालय थे उन कार्यालयों को लेकर के जिस तरीके से जो जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिए और उन कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। कई ऐसे कार्यालय भी थे जिनको जो है जो जहां जो कर्मचारी हैं वो नदारद पाए गए थे, उनके खिलाफ जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी और शासन को रिपोर्ट भेजी है। कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई गई है। तो ऐसे तमाम जिस तरीके से जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री जो है उन तमाम जो कार्यक्रम रहने वाले हैं वंदना उनको लेकर के फीडबैक लेंगे, और
जो जिले में विकास कार्य, क्योंकि जिस तरीके से अब हरिद्वार जिले में जो गंगा का तटबंध है उस तटबंध को लेकर के, क्योंकि काफी जर्जर हालत में तटबंध है, और जिस तरीके से जो मानसूनी पीरियड अब शुरू होने वाला है उस मानसूनी पीरियड को लेकर भी कहीं ना कहीं यह अहम माना जा रहा है कि जो चर्चा है वो हो सकती है, क्योंकि तटबंध से सटे जिस तरीके से जो कुछ गांव ऐसे भी हैं, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा बरसात होने पर कई क्षेत्र उत्तराखंड में ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं, तो इनको अब बाढ़ का जो आती है प्राकृतिक आपदा उसका सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो डाम कोठी पर चर्चा की जाए, क्योंकि जिला स्तरीय तमाम जो अधिकारी होंगे, यानी हर विभाग के जो अधिकारी है वो बैठक में मौजूद होंगे, उनको फीडबैक लिया जाएगा विकास कार्यों को लेकर के, और उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि काम किस तरीके से हो, क्योंकि हर वर्ष जो है हरिद्वार जिले में जो गंगा का तटबंध है हरिद्वार से लेकर के बालावाली तक, यानी कि जहां तक उत्तराखंड की जो सीमा है वहां तक जो तटबंध है वो तटबंध बना है, और कई जगह से तटबंध क्षतिग्रस्त है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग को ऐसे निर्देश भी दिया जा सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष जो है मरम्मत का कार्य होता है, लेकिन अभी तक जो तटबंध है उसके मरम्मत का जो कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो कई ऐसे जो अहम कार्य हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देश देंगे, फीडबैक लेंगे कार्यक्रम को। जी वंदना, रामगोपाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल वंदना, तमाम जो क्योंकि मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर के पहले ही जो जिले के आला कमान जो अधिकारी है उन्होंने जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, और कहीं ना कहीं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहां पर भी जो अधिकारी है वो मौजूद हैं, तब पहले ही जो कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहां आयोजित जिस तरीके से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यानी कि तमाम कार्यकर्ता और जो तमाम जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी वहां मौजूद होंगे वंदना, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं आयोजित कार्यक्रम के बाद फिर डाम कोठी में जो है विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की जाएगी। और रामगोपाल, जिस तरह से आपने बात की चारधाम यात्रा को लेकर के, कि चारधाम यात्रा को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, तो जिस तरह से चारधाम यात्रा में संख्या से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और अनुमान से ज्यादा ये कह सकते हैं कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और आंधी है, हवा जैसे कि तेज रफ्तार से चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो इन सबको लेकर के यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, क्या इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकेगी? बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से जो जिला स्तरीय यानी कि जिला स्तरीय जो अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे, तो 11 बजे ये बैठक जो है शुरू की जाएगी, इसी को लेकर के यानी कि तमाम जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के फीडबैक लिया जाएगा, चार धाम यात्रा को लेकर के जिस तरीके से चार धाम यात्रा है, और क्योंकि जिस तरीके से 2 साल के बाद यानी कि कोरोना के 2 साल के बाद अब कहीं ना कहीं जो यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो दिखाई दे रही है, काफी भारी मात्रा में यानी कि भारी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है चार धाम का रुख कर रहे हैं, और हरिद्वार को उत्तराखंड में जिस तरीके से चार धाम यात्रा चल रही है उसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहाँ जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर के आरोप लगाए थे, तो ये इस तरीके से यानी कि किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के जिले के जो अधिकारी हैं वो तमाम उन अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा वंदना, और उनको और सुधार करने के जो है निर्देश, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, एक अच्छी छवि लेकर श्रद्धालु उत्तराखंड से जो है वापस जाए। बिल्कुल रामगोपाल, जिस तरह से टिकट बुकिंग को लेकर के मनमाना रवैया देखा गया था, तो श्रद्धालु जो यात्री पहुंच रहे थे वो आक्रोशित भी हुए थे और नाराज भी हुए थे, तो ये बेहद ही अहम पहल होगा सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो यात्री पहुंचते वो सुखद स्मृति लेकर वापस आए। पूरी जानकारी देने के लिए रामगोपाल आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और 10:15 पर हरिद्वार के बल्ला इंटर कॉलेज के पैट पहुंचेंगे, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होना है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी।
पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स. समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34. गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं. प्यार से समझाएंगे धीरे धीरे से. वो भी अपनी सुबह में. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. और देहरादून से खबर आ रही है जहां पर चार धाम यात्रा पर बढ़ता श्रद्धालुओं का तांता. और अब तक 17,24,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है. और चार धाम के साथ ही अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने वाले हैं. और 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं और पहला जत्था रवाना होगा. तो चार धाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं. 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और पहला जत्था रवाना होगा. चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है. देहरादून से खबर बता रहे हैं. और इसके साथ ही अब तक 17,24,000 से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया हुआ है. और चार धाम यात्रा के साथ ही अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं और पहला जत्था 22 मई को रवाना भी होगा. तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहाँ पर चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है. और इसके साथ ही 17,00,000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक पंजीकरण कराया हुआ है. और चारधाम के बाद अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं. 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और पहला जत्था रवाना होगा. तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए. चारधाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं और पहला जत्था 22 मई को रवाना होगा. और चारधाम यात्रा में अनुमान से ज्यादा यानी कि 17,00,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं, पंजीकरण कराया हुआ है. और 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं और पहला जत्था रवाना होगा. तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर अब तक 17,00,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया हुआ है चारधाम यात्रा के लिए. और इसके साथ ही चारधाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं. 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और पहला जत्था रवाना होगा. चारधाम यात्रा के लिए अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और 17,00,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया हुआ है. और चारधाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं. ब्यूरो चीफ हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं. राजेश जी, अब चारधाम यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं पहले से? बिल्कुल वरना बता दें कि लगातार जो है चारों धाम पहले से ही खुले हुए हैं. बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं. और इसके साथ साथ 22 मई को जो है हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल जाएंगे. तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसके चलते जो है जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधाजनक जो है उनके दर्शन हो और उनको कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि अव्यवस्थाओं का भंडार जो है शुरू में देखने को मिला था. लेकिन इसके चलते जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो उत्तराखंड सरकार कर रही है. और इसीलिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की जो व्यवस्था है उस पर भी ध्यान दिया गया है. जो भी कोई यात्री जिस किसी भी धाम में आए वो पहले अपना पंजीकरण करा ले और उसके बाद ही आए, तो ये सरकार की गाइडलाइन है. और इसी के चलते जो है
कहीं अव्यवस्था भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यात्री काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऑनलाइन पंजीकरण की अगर अब तक की बात करते हैं तो वंदना 17,24,000 से ज्यादा जो है ऑनलाइन पंजीकरण जो है इस समय हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस समय यात्रा बिल्कुल अपने खचाखच है और पीक सीजन पे चल रही है। यात्रियों को वेटिंग करनी पड़ रही है ऑनलाइन पंजीकरण को लगा करके। कहीं कहीं जगह जो है यात्रियों को रोका गया है ताकि जो जहां भी मंदिर टेंपल पे वो जाए तो वहां अव्यवस्था ना हो। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो वंदना तो व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त करने का बेहतर तरीके से प्रयास जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो 2 साल से रुकी हुई थी क्योंकि कोरोना काल के चलते यात्रा बंद थी वंदना। तो अब जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि बेहतर और सुखमय जो है यात्रा जो है वो श्रद्धालु को हो, और जो यात्री अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उत्तराखंड से अच्छा मैसेज लेकर के जाए। वंदना राजेश जी, जिस तरह से चार धाम यात्रा में भी अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है अगर संख्या से ज्यादा पहुंचते हैं श्रद्धालु तो उसके लिए पहले से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यही कारण है कि पंजीकरण कराना जो है सरकार के लिए मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग में ये पता चल रहा है कि कितने लोग यात्री जो है पंजीकरण करा करके आ रहे हैं। इसी हिसाब से जो है यात्रा को सुचारू रूप से बेहतर चलाने की प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, ताकि ये सरकार को जब मालूम हो कि बद्रीनाथ धाम में लगभग कितने यात्री पहुंचने वाले हैं, केदारनाथ धाम में कितने यात्री बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, और इसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जो है पंजीकरण द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस समय ऑनलाइन अगर पंजीकरण कोई भी श्रद्धालु करा रहा है तो वो उसको काफी वेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17,24,000 से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो उन्होंने अपना पंजीकरण जो है वो ऑनलाइन करा लिया है। और यही वजह है कि सरकार एक एक चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है कि अगर इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था किस तरीके से हो, उनको कहाँ पर स्टॉपेज दिया जाए और कहाँ से फिर यात्रा का शुरुआत उनकी की जाए। तो यही व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का प्रयास जो है वो धार्मिक सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि श्रद्धालु आए कोई अव्यवस्था ना हो, कोई उनको रहने के लिए और खाने के लिए जो रुकने की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि चार धाम पर अगर बात करें जिस तरीके से प्रेशर श्रद्धालु का ज्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी जो है वो लगभग बढ़ रही है, क्योंकि इसीलिए फिक्स भी कर दिया गया है कि जो श्रद्धालु है केदारनाथ धाम में लगभग 12,000 की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हो सकते हैं दर्शन करने के लिए, और इसके साथ साथ बद्रीनाथ में भी जो है 15,000 के लगभग जो है वो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हो सकते हैं दर्शन करने के लिए। इसी तरीके से जो है अलग अलग सीमित दायरा जो है वो उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, ताकि बड़ी संख्या में एकदम से अगर श्रद्धालु वहां पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का भंडार जो है वो वंदना देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है सरकार बहुत सोच समझ करके व्यवस्थाओं के को दुरुस्त करके और यात्रियों को खास तौर से ध्यान रखते हुए इस यात्रा को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास कर रही है। और अब सबसे बड़ा प्रेशर जो है एक और यात्रा शुरू होने जा रही है, सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब वो 22 तारीख को खुलने जा रहे हैं। उनका पहला जत्था जो है कल राज्यपाल ने जो है वो यहाँ से हरी झंडी दिखाई है, वो रवाना हो चुका है, और आगे जिस तरीके से जो श्रद्धालु है सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि चारों धाम के साथ साथ एक सिखों का जो पवित्र धाम है पांचवा धाम कहा जा सकता है उत्तराखंड का, और वो उसकी संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और उनके लिए भी सामान्य जो पंजीकरण करने की व्यवस्था है ऑनलाइन उस पर जो है सरकार ने ध्यान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान दिया है पंजीकरण को लेकर के। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ज्वालापुर की रहने वाली भरतनाट्यम कलाकार और फ्रीलांस फाइन आर्ट ईस्ट पायल अग्रवाल ने प्लस साइज ब्यूटी एजेंट टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब भी जीता है। पायल दो बेटियों की माँ है और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कई महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सबको पछाड़ते हुए पायल ने 2021 को ये खिताब अपने नाम किया। और पायल दो बेटियों की मां है और परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही वो भरतनाट्यम और योगा सिखाने का काम भी करती हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पायल ने कहा कि वो चाहती हैं कि देश की अन्य महिलाएँ भी परिवार से समय निकाल कर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हमारा मिस एंड मिसेस टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लस साइज पेजेंट इंटरनेशनल फ्रॉम रीगा लेटविया यूरोप से था, जहां हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट किया? इसमें तीन राउंड्स थे। तीन राउंड्स में पहला टैलेंट राउंड था, जिसमें मैंने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। दूसरे राउंड में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, जिसके लिए हमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है। और उसके अलावा थर्ड राउंड इवनिंग राउंड राउंड था, और जिसके प्रोफाइल पिक्स उनको शेयर किए गए थे, जिसका ऑनलाइन वोटिंग होना था, उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनलाइज चुने थे। भविष्य के लिए क्या योजना है? भविष्य के लिए मेरी योजना है कि जैसे कि मैं योगा सीख रही हूँ, अभी सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, सर्टिफाइड भरतनाट्यम हूँ, भरतनाट्यम आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ सिंगर भी हूँ, तो मैं उसी को बहुत बेहतर ढंग से सीखना चाहूँगी और अपने इंडिया के कल्चर को और दुनिया के सामने बेहतर रूप से प्रस्तुत करना चाहूँगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में साल 2017 और 2022 के बीच हुए भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंपी है। और सरकार के इस फैसले से उस समय विभागीय मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। धामी सरकार ने अब इस मामले की जाँच विजिलेंस से कराने का फैसला लिया है, और जिस पर कांग्रेस को ये ऐतराज है कि आखिर क्यों ये जाँच पहले नहीं कराएगी। और जब हरक सिंह रावत भाजपा के मंत्री थे, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सरकार सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के नेताओं को बेवजह टारगेट कर रही है। देखिए बिल्कुल, मैं हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि 2014 से अगर मैं बात करूं देश की और या प्रदेश की पिछले 5 सालों की, तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो संविधान की संस्थाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ की कठपुतली समझती है। जो भी इसका सरकार के खिलाफ बोलने का कार्य करता है, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, सरकार उसको ईडी सीबीआई और अन्य जाँच एजेंसियों के भय से डराने की का प्रयास करती है। बट मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सच्चा है वो कभी किसी बात से नहीं डरता। आप अपनी जो पावर है उनका मिसयूज करते रहिए, लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति सच ही बोलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं और इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह चौक पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा है कि चारधाम में अव्यवस्थाओं का अंबार है और इस पर सरकार के पर्यटन मंत्री कोरी बयानबाजी कर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं के कारण चारधाम आने वाले यात्रियों को दर्शन पूर्व ही रोका जा रहा है और इससे उन्हें वापस लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पर्यटन उद्योग से जुड़ा हर कारोबारी सरकार से नाराज है, लेकिन जिम्मेदार नेता सीएम के उपचुनाव में व्यस्त है।
भारत को आजाद हुए 75 साल बीत गए हैं, जबकि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं। भले ही उत्तराखंड में विकास ने उत्तराखंड की तस्वीर बदली हो, लेकिन उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक भी बिजली, पानी और सड़क वहां तक नहीं पहुंच पाई है। भले ही भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर स्थित आमडंडा खत्ता गाँव के लोग अंधी जिंदगी के से आजाद नहीं हुए हैं। और जिस देश की ऊंची ऊंची इमारत आसमान को छू रही हो, उस देश के कई राज्यों को बिजली देने वाले उत्तराखंड के इस गांव में आज भी बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ने पर मजबूर हैं। वैसे तो कांग्रेस राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें रही, लेकिन अब तक विकास की थोड़ी सी भी रोशनी यहां नहीं पहुंच पाई है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आजादी के 7 दशकों के बाद भी देश के कई राज्यों के गांव विकास से अछूते हैं। उनमें से एक है उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल के रामनगर का अमडंडा खाता गांव, जहां आजादी से अब तक बिजली की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंची। पानी और शिक्षा सुविधाओं से भी वंचित इस गांव की जनता अक्सर सरकार से गुहार लगाती आई है। वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल ने अमडंडा खत्ता के निवासियों को बिजली, पेयजल और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने भारत सरकार के वन सचिव, सदस्य सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रमुख, वन्य जीव संरक्षक उत्तराखंड, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, अधिशासी अभियंता UPCL रामनगर और अधिशासी अभियंता जल संस्थान को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में बताया गया है कि अमडंडा क्षेत्र में विद्युतीकरण को लेकर 2015 में धनराशि आवंटित हो गई थी और संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आमडंडा में विद्युतीकरण के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाना है, जबकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक पेड़ काटे जाने पर ही वन ग्राम में विद्युतीकरण हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन इस मामले में अधिकारियों की हीला हवाली के कारण 2015 से आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया। इसी तरह आमडंडा में पेयजल को लेकर भी वर्ष 2012 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता का कहना था कि आमडंडा खत्ता के निवास ग्रामीण बिजली, पानी और शिक्षा के अभाव में कष्टमय जीवन जी रहे हैं और अधिकारियों द्वारा लगातार उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाएं। दुर्भाग्य है कि जिन व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड के लोगों ने ये उत्तराखंड राज्य का जो संघर्ष किया था, वो इन्हीं सब बातों के लिए था कि सड़क, पानी और बिजली, ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो आज के भौतिकवाद युग में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और अगर आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। सही, इसमें आप देखिए पिछले 5 सालों में एक तरफ हमारे 5 मेगावाट बिजली परियोजना, जो 5 मेगावाट बिजली दे सकती थी, उसकी बिजली का उपयोग नहीं हो रहा और बिजली की कटौती हो रही और कमी हो रही। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, तो 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।